कुरान ने जो हुक्म दिया उसको समझ लो, जो रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया उसको समझ लो और उसको फैला दो, उस पर अमल करो, तो कब्र तुम्हारी गुलजार बन जाएगी, बाग बन जाएगी और आखिरत तुम्हारी सुधर जाएगी। उस काम के लिए बैठे हैं ये, अब कोई ताने दिया देता है तो दिया करे, ये भाई ये ज़कात पे पल रहे हैं, ये खैरात पे पल रहे हैं, ये सदक़े पे पल रहे हैं, जो है इनके लिबास जो है वो जमाने के मुताबिक नहीं, माना किसी और तरफ जा रहा है या और तरफ जा रहे हैं, इनकी पगड़ी लोगों को नहीं भाती, इनकी दाढ़ी नहीं भाती, इनका अंदाज़ अदा नहीं भाता, इस वास्ते कि ये अपने हाथ में नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रस्सी को पकड़े हुए। दुनिया कुछ कहती है तो कहा करे, हम दुनिया के ताबे नहीं है, हम दुनिया के ताबे नहीं है, और जमाना बात न साजत तो वो तुबा जमाना सते, मसलक पे हम हामिल हैं कि हमें परवाह नहीं है कोई हमें क्या कहता है, लेकिन हमें तो एक ही परवाह है, अल्लाह ताला वही परवाह हमारे दिलों में बाकी रखे, वो ये कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिरी हो तो वहां जाकर हमें ये जिल्लत ना हो कि तुमने मेरे मुझे छोड़कर मेरे दुश्मनों को अपना माई बाप बना लिया।